जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नए वीडियो में। और अभी मैं हूँ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। गोरखपुर ने एक ऐसा इतिहास रच दिया है जो देश का कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं रच पाया है। आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। यह गोरखपुर रेलवे स्टेशन के बाहर का नज़ारा और मेन जो प्रवेश द्वार है वो ये है गोरखपुर का। और इधर से उधर भी एक प्रवेश द्वार है, वहाँ पर एक लोको है। यहाँ पर चार पाँच लोको आपको देखेंगे बाहर तरफ, वहाँ पर एक लोको रखा हुआ है। और उसके बाद इसके जस्ट सामने आप देखेंगे कि यहाँ पर एक लोको, बेसिकली डेमो होता है बट ये रखा हुआ है। एक वहाँ पे लोको रखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। ये सारे प्लेटफॉर्म के बाहर का दृश्य है और प्लेटफॉर्म पर भीड़ एज यूजुअल, जैसा कि आपको पता है, एकदम झमाझम। ये एंट्रेंस है और यहीं पर आपको ऑटो रिक्शा बैटरी वगैरह मिल जाते हैं। चलिए अंदर चलते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं यहाँ की डिटेल। 1930 में खुला यह रेलवे स्टेशन हुबली जंक्शन के बाद भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। सबसे बड़ा जो है वो हुबली जंक्शन है और सेकंड नंबर पर आता है गोरखपुर जंक्शन। यहाँ पर प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहाँ पर टोटल 10 प्लेटफॉर्म और 28 ट्रैक है। यह विश्रामालय है, सुंदर सुंदर सी मूर्तियाँ रखी हैं। शाम के वक्त बड़ा ही खूबसूरत सा लगता है ये। यहाँ पर स्कैनिंग सेंटर है, तो जब आप प्रवेश करेंगे, फिलहाल अभी बंद है, लेकिन प्रवेश करते ही आपको यहाँ पर अपने सामान को स्कैन कराना है। सामने खड़ी है कानपुर अनवरगंज, यह है प्लेटफॉर्म नंबर 2। देखिए यह है प्लेटफॉर्म नंबर 2 और यह है प्लेटफॉर्म नंबर 2A। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी मैं किस स्टेशन पर हूँ और किसकी मैं बात कर रहा हूँ। यह है गोरखपुर का रेलवे स्टेशन जिसका स्टेशन कोड है GKP। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वह है प्लेटफॉर्म नंबर 1, 1366 मीटर का। लगभग लगा लो आप 1 किलोमीटर से भी लंबा यहाँ प्लेटफॉर्म है। यहाँ मिलता है जन आहार, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, मांसाहारी भोजनालय, नॉन वेज रेस्टोरेंट भी है ये। और अभी पूरा जो सेक्शन है ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 है। आपको दिखाता हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा और आगे की तरफ जो है इसी पर ही प्लेटफॉर्म नंबर 1 शुरू हो जाता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ आगे दिख रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 1 और यहाँ से गाड़ियाँ, देखो प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 के बीच से ही यहीं से गाड़ियों का रूट चेंज हो जाता है। ये देखो, देखिए ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1 और ये पूरे भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई 1366 मीटर है। 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा ये प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 की तरफ जाने का रास्ता ये है। इधर से आपको जाना है सीढ़ी की मदद से, और अगर आप चाहें तो सीधे बाहर, अगर आप चाहें तो सीधे बाहर से भी आ सकते हैं क्योंकि बाहर एस्केलेटर वगैरह लगा हुआ है। अभी ऊपर चल कर आपको दिखाता हूँ, ये लगा हुआ इधर एस्केलेटर, तो आपको प्रवेश और निकास इधर से भी कर सकते हैं। फिलहाल हम चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 9 की तरफ। गोदान एक्सप्रेस का यहाँ पर टाइमिंग आ गया है 6:40। हल्की सी सुबह है, गोल्डन गोल्डन सी। ये फुटओवर ब्रिज है, थोड़ा सा कंजेस्टेड है, जिसका स्टेशन के हिसाब से जितनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए थी, पर ठीक है फिर भी इट्स ओके। प्लेटफॉर्म नंबर 9 तक जाने के लिए आपको सीधे स्ट्रेट चलना है। प्लेटफॉर्म नंबर 7 और 8 के लिए आपको इधर जाना होगा। सामने लगी है कोलकाता गोरखपुर मैलानी। यहाँ से जाने वाली जो मुख्य लाइन है वो है लखनऊ गोरखपुर लाइन, गोरखपुर गोंडा लूप लाइन वाया बरहनी, मुजफ्फरनगर गोरखपुर मेन लाइन, गोरखपुर सीवान लाइन। और ये अभी आ गए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 9 की तरफ। यहाँ पर भी एस्केलेटर लगा हुआ है, तो आप चाहें तो एस्केलेटर से जाएं या फिर अगर आप चाहें तो सीढ़ियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इतने लोग भर भर के आ रहे हैं, ये सारे अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए मोटे मोटे बड़े बड़े बैग, और ये एस्केलेटर इन सब में बड़ा सहायक हो जाते हैं क्योंकि सामान आपको लेकर चलना नहीं पड़ता, आप इस पर रखो और बड़े आराम से आप पहुँच जाएँगे।
तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी हम चल रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 9 की तरफ से, आपको दिखाने चल रहे हैं कहाँ पर टिकट बुकिंग होती है और वहाँ पर और क्या कुछ होता है, वो सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। ये स्मार्ट रोबोटिक मशीनें जिनके माध्यम से प्लेटफॉर्म की साफ़ सफाई की जाती है और बिल्कुल चमका देते हैं प्लेटफॉर्म्स को। इस सब के केबिन बने हुए हैं अपने अपने, जैसे मुख्य वाणिज्य निरीक्षक, मुख्य टिकट निरीक्षक, ऐसे ऐसे करके, जैसा कि सारे रेलवे स्टेशनों पर बने ही होते हैं, आपको तो पता ही है। आपके पीने के लिए पानी की व्यवस्था की गई है, वो बात अलग है कि यहाँ का नल बह रहा है। खाने पीने के लिए भी व्यवस्था की गई है, आपके छोटे छोटी बड़ी बड़ी स्टॉल तरह तरह की है, शुद्ध शाकाहारी और मांसाहारी दोनों। ये देखो, ये शुद्ध शाकाहारी भोजनालय है और आगे रेड पट्टी पे मांसाहारी भोजनालय, दोनों यहाँ पे बहुत ही क्लियर मेंशन किया गया है। RPF पोस्ट यहाँ पर है और आगे की तरफ जब आप जाएंगे तो यहीं पर आपको रिजर्वेशन काउंटर वगैरह दिखेगा। चलिए चलकर आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ पर रिटायरिंग रूम भी है जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर फर्स्ट फ्लोर पर है, और ये है लॉकर रूम अमानती सामान का है। तो लॉकर रूम में अगर आप कहीं भी जाना चाहते हैं, आपके पास लगेज वगैरह है तो उस लगेज को रखें यहाँ पर 24 घंटे के लिए मिनिमम प्राइस में और निश्चिंत होकर आप घूमें। यहाँ पर रिलैक्स चेयर भी है जो 90 रुपये में 9 मिनट, 180 रुपये में 18 मिनट, ऐसे ऐसे इसका प्राइस रेट है। बेसिकली मसाज चेयर बोलते हैं, आप इसका आनंद ले सकते हैं, 3 लगी हुई है, इसका आप एक्स्ट्रा पे करके आनंद ले पाएंगे, बहुत ही बेहतरीन होती है। तभी इसका भी आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा मैं। और ये है रिजर्वेशन काउंटर का एरिया, एक बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है, वो देखो अनारक्षित टिकट प्रणाली। टोटल यहाँ पर 15 काउंटर हैं जिसमें से आधे से ज़्यादा अभी काम नहीं कर रहे हैं बेसिकली, और बैठे नहीं हैं लोग, और कुछ एक हैं जो चल रहे हैं, उसमें लाइन लगाई है लोगों ने। और ये है ATM मशीन जो आप कहीं भी जाने के लिए जनरल की टिकट ले सकते हैं, इंस्टेंट खुद से भी ले सकते हैं, और यहाँ पर कुछ लोग बैठे रहते हैं एजेंट, वो भी आपको टिकट दे देंगे जिसका कोई वो एक्स्ट्रा फीस या कोई पेमेंट नहीं लेते हैं, ठीक है। और गोरखपुर जंक्शन पर देख सकते हैं आप सामने लगी हुई एक LED जो गाड़ियों को इंडिकेट रहे कहते जो गाड़ियों को इंडिकेट करती रहती है कौन सी गाड़ी कहाँ तक ले जाएगी, ये देखिए स्क्रॉल होती रहेगी, हर एक गाड़ी आप देख पाएंगे कौन सी गाड़ी कितनी डिले है, किस प्लेटफॉर्म पर आ रही है, क्या गाड़ी नंबर है, ये सब कुछ। और उसके बाद भी अगर आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही तो ये है पूछताछ सहयोग केंद्र, एक कैबिन है छोटा सा यहाँ पर, जैसे भाई लोग लगे हुए हैं ऐसे भी आप लगकर अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले सकते हैं। और ये जो पूरा एरिया है ये है वेटिंग एरिया, अभी इधर लाइट बंद है, ये देखो बड़ा सा फैन लगा, इसे लखनऊ में लगा हुआ था, अभी इधर लाइट बंद है इसलिए आपको थोड़ा अंधेरा सा लग रहा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि आपको जो मैं इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही होगी। फूड ट्रैक भी इधर है, खाने पीने की सुविधा, अगर आप कुछ खाना पीना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो मुझे शायद अभी तक नहीं दिखी वो है वॉशरूम, वो यहाँ पर होना चाहिए था। यहाँ पर कुछ शॉपिंग वगैरह करना चाहते हैं अगर आप, तो शॉपिंग भी कर सकते हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी। हाँ ये दिखा ना, ये है वॉशरूम यहाँ का, सामने प्लेटफॉर्म पर ही वॉशरूम है, लेकिन दिक्कत ये है कि ये पेड है, फ्री नहीं है, इसको फ्री रखना चाहिए था। हर प्लेटफॉर्म की भांति इस प्लेटफॉर्म पर भी आपको एक सेल्फी पॉइंट मिलेगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। इसमें कुछ वर्ड है जो कट गए, फिर भी मैं आपको पढ़कर सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देश ने किया शक्ति को मोदी जी का अभिनंदन, ऐसा कुछ रहा होगा, बीच के वर्ड कुछ कटे हुए हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना बीच में क्या वर्ड होंगे। और ये सेल्फी पॉइंट है, आप चाहें तो यहाँ पर मोदी जी के साथ आप सेल्फी ले सकते हैं। वाहनों को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण, मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है नो बिल नो पेमेंट। यहाँ पर जितने भी कैटेगरी हैं, फूड ट्रक या कुछ भी आप बोलो, खाने पीने का सामान जो भी मिलता है, हर जगह लिखा हुआ है नो बिल नो पेमेंट। लेकिन बिल मुझे लगता है कि 100 में से शायद 1% जो मांगते होंगे उनको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो उनको भी नहीं मिलता होगा। ये हर जगह हर प्लेटफॉर्म का हाल है। प्लेटफॉर्म नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 की तरफ जाने के लिए आपको फुट ओवर ब्रिज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 एक ही लाइन पर है। यह है प्लेटफॉर्म नंबर 6, इधर लगी है काशी एक्सप्रेस,
और इधर है चौरी चौरा एक्सप्रेस। जंक्शन रेलवे स्टेशन यात्रियों का स्वागत करता है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 0549। तो दोस्तों यह था गोरखपुर का रेलवे स्टेशन का पूरा व्यू। अगर आपको लगता है कोई जानकारी छूट गई है तो वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद।